हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो, और तो आज का जो वीडियो है, हमारे सब्सक्राइबर हमारे मतलब बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर रियलमी C11 का आप हमें लाइट सेक्शन का फुल वीडियो दे दीजिए कि कैसे इसको हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है गाइज। तो जिनको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखेंगे। मैं यहाँ पे रियलमी C11, देखिए कोई छोटा या बड़ा मॉडल नहीं होता है, अगर आपको पर्टिकुलर आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जो भी हमारा वीडियो होता है फुल गाइडलाइन मतलब फुल इंडलेस होता है, मतलब आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं सारा कुछ हम यहाँ पे वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए फटाफट आपको हम बता देते हैं कि रियलमी C11 देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, रियलमी C11 का मैंने लाइट सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या क्या, ये आपका रियलमी C11 का बोर्ड है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी C11। तो चलिए इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप लाइट से रिलेटेड, अगर आपका डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आपका ये फ़ोन आता है गाइज, ये ऐसा नहीं कि सर्किट 6 लेग की IC लगी हुई है तो छोटा सर्किट है, नहीं, ये आपका रियलमी C20 तक भी यही IC लगी है, यही सर्किट पे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको गाइज करना क्या है, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है जैसा कि आपको पता ही है आपका डिस्प्ले का कनेक्टर है। तो सबसे पहले आपको जितने भी पिन दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे आपका रीडिंग आना चाहिए, यहाँ आपके साथ बीप के साथ रीडिंग आना चाहिए, और यहाँ पे आपका रीडिंग आ भी सकता है और रीडिंग नहीं भी आ सकता है। ये आपकी CVC की लाइन है, ये आपकी एनोड की लाइन है, ये आपकी कैथोड की लाइन है गाइस। तो चलिए अब आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रैक चेक करना है। ट्रैक का मतलब आपको यहाँ पे देख लेना है कि इन पिनों पे हमारी रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, ये हमारी ट्रैक ICU से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। सबसे पहले होता है हमारा ट्रैक चेक करना। अब जब आप ट्रैक चेक करेंगे तो ट्रैक में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं मैं आपको पहले वो बता दूँ, फिर आपको वोल्टेजेस बताऊंगा, फिर आपको इसके सोल्यूशंस के बताऊंगा एंडलेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड की लाइन अगर हम जाते हैं, LCD एनोड की लाइन अगर हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, आउटपुट का कैपेसिटर है, फिर उसके बाद एक कॉयल लगा हुआ है। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हमें ये अगर मैं पूरी पहले लाइन को डिटेल करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे कैपेसिटर देखने को मिलेगा, फिर एक कॉयल देखने को मिलेगा, फिर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, फिर वो एक सिरा डायोड से जुड़ा हुआ है गाइस। तब आपको अगर ये लाइन शॉर्ट होती है तो आपको ये कॉम्पोनेंट शॉर्ट हो सकता है, ये कॉम्पोनेंट शॉर्ट हो सकता है, या तो ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। अगर गाइस ये लाइन ओपन होती है तो ये कॉयल के कारण भी हमारा ओपन हो सकता है, या तो यहाँ से यहाँ तक आप कंटिटी देख लें, आपको इस डायोड से लेकर के 1 नंबर पिन पे आप कंटिटी ढूंढ लें, अगर आपकी कंटिटी आ रही है तो दैट्स मीन ट्रैक हमारा ओके है। ठीक है गाइस, अगर नहीं आ रही तो आप उठा करके जंपर मार देंगे तो हमारा यहाँ से ट्रैक हमारा ओके हो जाएगा और हमारा लाइट सेक्शन ओके हो जाएगा गाइस। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ तक डायोड तक हम पहुँच गए। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, और यहाँ पे पैरेलल में कंपोनेंट लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये सारा कुछ सेक्शन वाइज होता है, आपको यहाँ पे सारे कंपोनेंट को चेक कर लेना है कि ये हमारा सीरीज में ओके है कि नहीं, मतलब इस कंपोनेंट से इस कनेक्टर तक हमें बीप चाहिए। तो गाइज अगर ये बीप आ रहा है तो हमारा ये कैथोड की लाइन भी ओके है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइज, अब हम चल जाते हैं सीधा और सीधा IC पे आ जाते हैं। IC पे हमें क्या क्या चीज़ चेंज करनी है ये चीज़ हमेशा ध्यान पे रखिएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि शॉर्ट में गाइज की आपको क्या क्या चीज़ चेंज करना है और आपका लाइट सेक्शन 110% जॉब डन हो जाएगा। ये वीडियो को मैं एंड में बताऊंगा छोटा सा हाईलाइट के रूप में। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमने ट्रैक चेक कर लिया, ट्रैक हमारा बेसिकली ओके है। जब ट्रैक ओके है तो अब सीधा और सीधा IC पे जाना है। IC पे हमें सबसे पहले क्या करना है ये देखना है कि हमारा 4 वोल्ट बनना है, ये हमारी 6 लेग की सर्किट 2 IC है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखना है कि इस पिन पे हमारा 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अब आपको सेकेंड यहाँ पे क्या देखना है गाइस, जो ये CVC की लाइन है यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमारा 1.8 से 2.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। गाइस अगर यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं आ रहा है तो जो ये 4 वोल्ट आ रहा है ये बेसिकली ये आ रहा है BQ से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BQ से हमारा 4 वोल्ट आ रहा है, नहीं तो आप DC to DC IC किसी से भी DC to DC IC से आप यहाँ पे 4 वोल्ट इस पिन पे आप दे सकते हैं अगर आपको 4 वोल्ट नहीं आ रहा है तो। अब ये जो पिन है ये जुड़ा हुआ है बूस्ट कॉइल से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है डायोड के साथ। अब आपको दूसरा नंबर चेक करना है कि यहाँ पे 1.8 और 2.8 आ रहा है कि नहीं। अगर ये 1.8 या 2.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप कहीं से भी 1.8 और 2.8 वोल्टेज को यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा लाइन की लाइन, और इसके जो हम CVC, ये हमारा आता है बेसिकली CPU से कंट्रोल होता है 1.8 और 2.8 वोल्टेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनली आपको क्या करना है, एक शॉर्ट तरीके से कि 1 2 3। और मैं ये भी अभी आपको बता दूंगा कि ये जो आईसी है, अगर ये आईसी खराब हो गई है तो कहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला स्टेप, अब मैं आपको एकदम बेबी स्टेप बता दे रहा हूँ कि अगर आपका लाइट से फॉल्ट है तो आपको क्या क्या चीजें कर लेनी है। अगर आपका लाइट से फॉल्ट है तो सबसे पहले गाइज अपना ट्रैक चेक करिए, ट्रैक आपने चेक कर लिया, अगर ट्रैक आपका ओके है, सेकंड नंबर में आपको सीधा और सीधा डायोड और यहाँ पे ये देख सकते हैं कैपेसिटर और ये बूस्ट कॉइल, आपको ये तीन कंपोनेंट को चेंज करना है गाइस, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अगर आपका जो भी सर्किट में, ये डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ गाइस आपको, ये बूस्ट कॉइल और ये डायोड और आपको ये कैपेसिटर, ये तीन कंपोनेंट को आपको सेकंड नंबर में चेंज करने हैं, तब जब ये वोल्टेजेस आ रहे हों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 1.8 और 4 वोल्टेज अगर आ रहा है तब आपको ये चीज करनी है डायरेक्ट सोल्यूशन। अब जब आपने ये भी चीज कर लिया, नहीं आ रहा है, तब आपको सीधा और सीधा ये आईसी को चेंज करनी है, 6 लेग आईसी को चेंज करनी है, तब जब आपका 4 वोल्ट और 2.8 या 1.8 वोल्टेज आ रहा हो, ना आ रहा हो तो उसके लिए मैंने बता दिया है, तो आपको सीधा और सीधा आईसी को चेंज करना है। अब मैं आपको फटाक से बता देता हूँ कि आईसी आपको मिलेगी कहाँ, ये आईसी का नंबर है 3756, तो ये आईसी आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, 3756 3756 3756, ये देखिए हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो 6 लेग की आईसी सर्किट टू, ये बहुत सारे फोनों में मिल जाती है, वीवो, आसूस, ओप्पो, वीवो, ये देख सकते हैं गाइस, ये आईसी आपको 6 लेग की आईसी, ये अगर आपके पास इन सारे मॉडल्स हैं तो आप यहाँ पे जाकर के इस आईसी को निकाल करके रिप्लेस कर सकते हैं। ये Y20 V20, ये आप देख सकते हैं Realme 8 में भी यही लगा है, C11 में भी यही लगा है, जो कि ये तो हमारा खुद का है ओप्पो, C25 में भी यही लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं आईसी को सिंपल और सिंपल आपको कर देना है रिप्लेस गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको एक शॉर्ट में अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि हेल्पफुल वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।